नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत के बाद देश भर में उबाल था। दरिंदगी करने वाले आरोपियों को जल्द मौत के घाट उतारने की मांग की जा रही थी। पुलिस कार्रवाई चल रही थी। पुलिस वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट करना चाहती थी। पुलिस चारों आरोपियों को क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए वारदात वाली जगह लेकर पहुंची थी। पूरा मामला गुरुवार रात का है, लेकिन शुक्रवार सुबह खबर आती है कि सभी आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस का दावा है कि सभी ने भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने रोकना चाहा तो उन पर भी हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इस खबर के बाद पूरे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जिसमें सभी ने इस एनकाउंटर की तरफदारी की और हैदराबाद पुलिस की वाह वाही की गई। पूरा देश इस एनकाउंटर के बाद खुश है। देश भर में खुशी इसलिए क्योंकि महज 10 दिन के भीतर महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ इंसाफ हुआ। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निम्स यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह और इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनय सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन और क्लिनिक डायरेक्टर, और इसी के साथ मेरे साथ हैं डॉक्टर मृदुला त्रेहान, प्रिंसिपल निम्स डेंटल कॉलेज। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आज जो हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ उसके बाद देश भर में एक अजीब सी खुशी थी, लोगों में एक अजीब सा उत्साह था। पुलिस का पहली बार फूलों से देखा गया कि फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया, उनके जय जयकार के नारे लगाए लोगों ने, और देश में शायद ही ये पहली बार हुआ है कि किसी एनकाउंटर के बाद पूरा देश एकजुट है, सबकी राय एक है, सब उस एनकाउंटर पर खुश हैं, क्योंकि यह एनकाउंटर उन बलात्कारियों का हुआ था जिन्होंने एक वेटनरी डॉक्टर, महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ जो घिनौनी वारदात की थी, रेप के बाद उन्हें जिंदा जला दिया था। पूरा देश ये मांग कर रहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सजा होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस पूरे मामले में न्याय होना चाहिए। और इस घटना के बाद परिवार वालों ने भी, उस बच्ची के परिवार वालों ने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें सही में न्याय मिला है। तो इस एनकाउंटर को लेकर, इस पूरी वारदात को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि जब यह एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के बाद में, जैसा आपने खुद एक्सेप्ट किया भानु जी, कि पूरे देश में मैं समझता हूं 99.99% जनता ने, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने, सभी लोगों ने इसकी सराहना करी और पुलिस को बधाई दी। जब एक कॉमन मास फीलिंग इस एनकाउंटर के साथ है तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ कि जिसमें सभी लोगों को उम्मीद थी वो न्याय उनको मिल गया। सेकंड जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इस पे एक क्वेश्चन उठाते हैं, मैं समझता हूं आप भी शायद पूछना चाहेंगे, क्या इस तरह के से जो अपराधी है उसको मारना उचित है? बिल्कुल, मैं समझता हूं ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जो जवाब है वो बहुत ही सब्जेक्टिव ढंग से दिया जा सकता है। इसके लिए कोई भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन जहां पे हम तथ्यों को देखते हैं तो सबसे पहली चीज ये देखी जाए कि क्या इस तरह की रेप की घटनाएं समाज में हो रही हैं, बढ़ रही हैं या घट रही हैं, और किस तरह के क्राइम्स कमिट हो रहे हैं। वी सी एवरी डे, आज लगता है कि जो इस तरह के रेपिस्ट हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनमें एक तरह सी होड़ लग गई है, आपस में एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। तेलंगाना में, हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी जी की हत्या की गई और साथ में मरमम हत्या, रेप के बाद मरमम हत्या कर दी गई, और साथ में जो उनके अपराधी थे उन्होंने शव भी जला दिया। कभी कहीं 3 साल की बच्ची का रेप होता है तो कहीं 6 साल की बच्ची का रेप, कहीं पे आंखें निकाल दी जाती हैं, कहीं पे शरीर पे तेजाब डालकर शरीर को विखंडित कर दिया जाता है जी। हम हैं कौन, क्या आज की डेट में हम लोग इंसान हैं कि जानवर बन गए या जानवर से भी बदतर? तो सोचने वाली बात यह है कि ये घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो एक तरह से ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की नाकामी की तरफ, क्योंकि जो खुशी आज देश की जनता को इन 4 अपराधियों के एनकाउंटर पे मिली, मैं समझता हूं वो खुशी ना भी होती अगर जुडिशरी स्ट्रांग होती। तो सवाल ये उठता है कि जो रेप हो रहे हैं या जो और भी हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं
उनके ऊपर स्पीडी जजमेंट, स्पीडी जस्टिस डिलीवर नहीं हो पा रहा। सो आई थिंक दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेप्स। हाँ, मैं मानता हूं कि उस घटना को ना तो मैंने देखा ना आपने, हो सकता है ऐसे सर्कमस्टांसेस हों कि अपराधियों ने पुलिस पे वापस अटैक कर दिया हो एंड इवेंचुअली दे हैड टू टेक दिस एक्शन, सो दैट इज समथिंग आई वॉन्ट टू टच। बट मेरा मानना यही है कि जस्टिस अगर डिले हुआ इस माध्यम से सब में खुशी है तो कहीं ना कहीं तो न्याय और पुलिस व्यवस्था में कमी थी। बिल्कुल डॉक्टर विनय सिंह, आप इसको लेकर क्या नजरिया रखते हैं, आपको क्या लगता है कि जो एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर के बाद जो पूरा देश का, देश की राय जो एकजुट है, एक मत है, क्या वाकई ये सही है और क्या इस तरह की वारदातों के बाद अब एक कड़ा कानून नहीं होना चाहिए? जिस तरह से ये फैसला हुआ है विद इन 10 डेज, क्या इस तरह का कानून नहीं आना चाहिए कि 10 दिन के अंदर ही फैसला हो जाना चाहिए, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए? भानु जी, डॉक्टर पंकज सिंह ने काफ़ी महत्वपूर्ण विषय के मतलब शुरुआत करी है और इनके बातों से ये साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी अपनी कानून की प्रक्रिया जो लचर है जिसमें कि इंसाफ मिलने में आम आदमी को काफ़ी समय लग जाता है। जी, आपने कहा कि क्या सख्त कानून होना चाहिए, मुझे लगता है कि आप कानून कितने भी सख्त बना दें अगर उसके ऊपर हम एक्शन नहीं ले पाएंगे तो उस कानून का कोई रोल नहीं है। और मैं भी ये मानता हूँ कि अगर कहते हैं, किसी ने कहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर आपको सही समय पे इंसाफ नहीं मिला तो वो इंसाफ न मिलने के बराबर है। अब आप निर्भया केस के लिए, जो मुझे लगता है भारत के लिए काफ़ी हिस्टोरिक टाइम रहा, जी, जी। 2012 का ये केस है और आज हम 2019 में बैठे हैं, 7 साल हो चुके हैं और अभी भी जो 4 लोग जिनको कि कैपिटल पनिशमेंट दी जा चुकी है अभी भी वो जिंदा हैं जी, और उनको उनकी सिक्योरिटी में सरकार का सरकारी तंत्र लगता है, टैक्स पेयर्स की मनी लगती है और इवेंचुअली मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि इस तरह के जो मतलब रेप के जो किस्से होते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट शुड बी गिवन, तो मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कोई इस तरह की गंदी हरकत करता है तो सजा तुरंत होनी चाहिए जी, और सख्त होनी चाहिए जिससे कि आदमी के अंदर एक भय हो, ना कि आदमी ये सोचे कि अरे बहुत क्या होगा, कोर्ट में जाएगा। तो मैं आपके स्टूडियो में आने से पहले मैं एक डेटा देख रहा था जी, कि 1970s में अगर आपके ऊपर रेप का एक एक्विजिशन लगा है तो लगभग 40-45% लोगों को सजा हो जाती थी और समय बढ़ते बढ़ते आज की अगर हम देखें तो जो विक्टिम्स हैं वो उनको सजा मिलने की जो परसेंटेज है ड्रॉप आउट होकर 20-25% हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकारी तंत्र पर इतना ज़्यादा लोड है कि वो सभी केसेस को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, तो हमें एक ऐसा कोड बनाना चाहिए जिसमें कि इस तरह की जो दुखद घटनाएं हैं उसके लिए तुरंत हमें सजा दे सके ताकि समाज में एक इन ऐसे अपराधियों के लिए दिन के इनके दिल में एक भय का डर हो। बिल्कुल, एक भय का डर हो, ऐसा कानून होना चाहिए और बहुत जल्द उसमें फैसला आना चाहिए। डॉक्टर मृदुला त्रेहान भी हमारे साथ हैं जो प्रिंसिपल हैं निम्स डेंटल कॉलेज की। डॉक्टर मृदुला त्रेहान, आज के वक्त में महिलाएं अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस कर रही हैं, सरकार भले ही लाख दावे करती हो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पुलिस को भले ही कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई हो, पुलिस की तरफ से भले ही कितनी महिला हेल्पलाइन चला दी गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य से, किसी ना किसी शहर के कोने से इस तरह की घिनौनी वारदात हमारे सामने आ ही जाती है, चाहे वो लड़की हो, महिला हो या बच्ची हो, हर जगह हवस के हैवान घूम रहे हैं और ऐसे बच्चियों पर, महिलाओं पर नजर बनाए रखते हैं, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद अब 2019 तक ना जाने कितनी निर्भयाएं ऐसे हवस के हैवानों का शिकार हुई हैं। क्या लगता है आपको कि कुछ बदला है देश में? अगर कुछ बदला है तो क्या बदला है और क्या बदलने की जरूरत है? देखिए, जैसे हम सबको पता है शुरू से ही हमारी कंट्री मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है जी, यहाँ पे शुरू से ही मेल्स डोमिनेट करते हैं ऑन द फीमेल्स जी, तो ये हमें जो है थोड़ा बदलाव लाने की इसमें आवश्यकता है। हमें अपनी महिलाओं को, बच्चियों को सशक्त बनाना है, उनको मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और उनको इतना हमें वो बनाना है आत्मनिर्भर कि वो अपना निर्भय अपने आप कर सके। तो अब जो है ये निर्भया कांड जो हुआ था 2012 में जो आप जिक्र कर रहे हैं जी, और आज 2019 हो गया है, इसमें पता है विक्टिम्स, कल्प्रिट्स कौन है,
उसके बाद भी आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है विक्टिम को। तो जब तक हमारी जुडिशरी इतनी प्रॉम्प्ट नहीं होगी कि इमीडिएट उनको एक्शन मिल सके, इमीडिएट उसका रिजल्ट आ सके, इमीडिएट उनको पनिशमेंट मिल सके, तब तक हमारी बच्चियां कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगी। अब हमारी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, ये उनको तो अपने आप को बचा के रखना ही है, अपने सेल्फ डिफेंस में उनको अपना सशक्त बनाना है हमें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उनको अपने पास एक पेपर स्प्रे रखना चाहिए जिससे कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। उनको हमें थोड़ा सा कराटे या कुछ अपना सिखाना चाहिए, सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटीज, जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। जी बिल्कुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ हमें बच्चियों को ही नहीं ये करना है ट्रेन, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने लड़कों को भी पूरा उनकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जी जी, इसमें जो है पेरेंट्स का, शिक्षकों का बहुत बड़ा दायित्व है, उनकी मानसिकता उनको सिखाना पड़ेगा कि हमारी बच्चियाँ सुरक्षित कैसे महसूस करें अपने इसमें। बिल्कुल, इस तरह के माहौल को किस तरह से वो उससे निपटें, यानी कि आत्मनिर्भर बनाने की अब बेहद ज़रूरत है आजकल की बेटियों को, ताकि वो ऐसे दरिंदों से, ऐसे हैवानों से वक्त आने पर निपट सकें। जी डॉक्टर पंकज सिंह, जैसा कि मैम ने बताया कि हमें अपने बच्चों को भी इस तरह के संस्कार देने चाहिए, अपने बेटों को भी इस तरह के संस्कार देने चाहिए कि वो इस तरह की वारदातों में संलिप्त ना हो, इस तरह की वारदातों की तरफ उनका झुकाव ना हो, यानी कि क्रिमिनल जो उनकी मानसिकता है वैसी वो ना बने। लेकिन क्या हुआ है आजकल के बच्चों को, आजकल के लोगों को, कि उनकी मानसिकता ऐसी होती जा रही है, इतनी भयावह घटना को वो बेझिझक बिना किसी खौफ के अंजाम दे डालते हैं। क्योंकि एक वक्त हुआ करता था जब हिंदुस्तान को सहनशीलता के लिए जाना जाता था, दया के लिए जाना जाता था, यहाँ के संस्कारों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज हिंसा के लिए, क्राइम के लिए, बलात्कारों की घटना के लिए जाना जाता है। तो आज के हिंदुस्तान को क्या हो रहा है, आज का युवा किस ओर झुक रहा है और क्यों झुक रहा है इस तरह की वारदातों की ओर? भानु जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हमें आंसर करना चाहिए ये वही है। जी, आज आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। जी, आप अगर ये बताएं मुझे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जब वो पैदा होते हैं और पैदा होते समय क्रिमिनल होते हैं? कोई नहीं। मैं समझता हूँ कि इसकी परसेंटेज वर्ल्ड ओवर जीरो होगी। जी बिल्कुल, एक भी बच्चा दुनिया में पैदा होते समय क्रिमिनल नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन वो एक प्रोसेस, जब बच्चा बड़ा होता है, जब वो मैच्योर होता है, जब एडल्टहुड में वो कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस में उसको क्या क्या दिया जाता है, वही चीज़ उस वो आगे करता है जाके। तो व्हाट वी रीप व्हाट वी सो, जो हम काटते हैं वही हम, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। बिल्कुल, तो आज की डेट में बच्चों के जो संस्कार लैक कर रहे हैं, जहाँ भी उनकी एक इस तरह की दरिंदगी देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि सोसाइटी का ही एक आईना है। जैसे बच्चे हम लोग अपब्रिंगिंग करते हैं, जिस तरह से उनकी परवरिश करते हैं सोसाइटी में, वो चीज़ें ही आगे चल के हमें मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, वो उनके परिवार की है। जी, किसी भी एक बच्चे का जो सबसे पहला स्कूल है पैदा होने के बाद, वो उसका परिवार होता है, और उस परिवार में उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक शिक्षक होती है, वो उसकी मदर है या उसके फादर हैं। जी, तो मदर और फादर का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो क्या संस्कार, क्या चीज़ें दे रहा है अपने बच्चों को, क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में हमें वो संस्कार देने हैं ताकि वो समाज का एक सभ्य अंग बने, ताकि वो ये सब दरिंदगी ना करें। सो दैट इज़ द वन पार्ट। सेकंड पार्ट जो एक थोड़ा सा इसमें और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि किसी भी जो सिस्टम में जब आपको अगर कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कानून का एनफोर्समेंट, कि कितनी सख्ती से उसको आप लागू कर सकते हैं, और दूसरा होता है एक आदमी की जिम्मेदारी, यानी कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी। मैं समझता हूँ जिस सोसाइटी के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, उस सोसाइटी के अंदर कानून व्यवस्था अच्छे से रह सकती है। तो इन दोनों चीज़ों में एक जिम्मेदारी तो मैंने पेरेंट्स के ऊपर डाली कि वो अपने बच्चे को 16, 17, 18 साल तक इस तरह का बनाएं कि वो दरिंदगी में कभी सोचे भी ना और इस तरह की चीज़ें ना करें। लेकिन जो एनफोर्समेंट की चीज़ है, उसके लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी मजबूत करना पड़ेगा। जब जैसे डॉक्टर विनय ने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो उसके चलते हमें सही टाइम पे जस्टिस देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीप्ति सिंह भी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति सिंह आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू मानू जी। दीप्ति सिंह जी, आज देश भर में एक अलग ही माहौल है और वो भी एक एनकाउंटर के पीछे। पूरा देश इस एनकाउंटर से कहीं ना कहीं सहमत दिख रहा है। पुलिस की जय जयकार हो रही है, वाहवाही हो रही है, तो क्यों ना इस तरह का एक कानून बनाया जाए कि 10 से 15 दिन के अंदर ही न्याय हो जाए। शायद पूरा देश भी यही चाह रहा है। जी भानु, बिल्कुल ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे कई मामलों में साल दर साल खींचते चले जाते हैं अपने जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स है नाम पे, और उसके बाद कहीं अगर ऑर्डर आ भी जाता है तो हमारे यहाँ के लोगों को अपील की समस्या हो रही है, अपील पे चले जाते हैं, हमें कैसे बेल पे छूटने के बाद साल से साल खींच लेते हैं और ऑर्डर नहीं आता, उसके जजमेंट नहीं हो पाता और तब ये अपील पे वो छूटे रहते हैं और आराम से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जल्दी से इस तरीके के मामले का निपटारा करना चाहिए। जी बिल्कुल दीप्ति सिंह जी, आज एक एनकाउंटर हुआ, पूरा देश खुश है, पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है। जिन परिस्थितियों में एनकाउंटर किया गया हो, सिस्टम पे एक थ्रेट भी है, ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट है, कहीं कल को इस चीज का फायदा उठाकर लोगों को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने का हम अनुमति तो नहीं दे रहे। हमारे जुडिशियरी सिस्टम में ऑफकोर्स यहाँ पर चेंजेस की जरूरत है और समय चाहिए इसमें, ऐसे समय पे क्योंकि व्यक्ति को हम और किसी तरीके से तो न्याय नहीं कर सकते, न्याय तो अब हो ही नहीं सकता जिस व्यक्ति की अपना लुट गई जिस महिला की, पर उसको इस तरीके से एक मानसिक शांति जरूर दे सकते हैं कि उसको इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी की है। तो सहमति तो मेरी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन जुडिशियरी सिस्टम का थ्रेट भी मैं समझ रही हूँ। लेकिन क्या ये उस व्यवस्था पर सवाल नहीं है, इस तरह का एनकाउंटर जहां व्यवस्था में बहुत देर हो जाती है न्याय मिलने में, न्यायपालिका के आदमी चक्कर काटता रहता है, क्योंकि हर मामले में तो एनकाउंटर हो नहीं सकते। जी अब न्याय की ही तो बात हो रही थी अभी, भाई से मैं सुन रही थी के बराबर है, जब अन्याय तो बहुत सारी चीजें हैं व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, पर न्याय जी बिल्कुल। दीप्ति सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण विचार रखने के लिए। तो दीप्ति सिंह सुप्रीम कोर्ट की जो अधिवक्ता थीं वो भी यही कह रही थीं कि हाँ कहीं ना कहीं ये आज की ज़रूरत बन गई है कि तुरंत प्रभाव से न्याय होना चाहिए इस तरह के पीड़ितों के साथ। मेरे साथ डॉक्टर विनय सिंह हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन और क्लिनिकल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर विनय सिंह जी, आज कहीं ना कहीं ये मांग उठ रही है कि इस तरह का कानून होना चाहिए, तुरंत न्याय होना चाहिए पीड़िता के साथ, लेकिन हमारे देश में ये माहौल बन क्यों रहा है, ऐसे लोग पनप क्यों रहे हैं, हमारे समाज के लोगों की, हमारे युवाओं की मानसिकता इतनी विकृत क्यों होती जा रही है, कहां जा रहा है समाज, इसको रोकने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? भानु जी, इस बात का मुझे भी बड़ा दुख है कि हमारे समाज में इतनी घिनौनी हरकत होती है जिसके लिए हमारे पास सख्त कानून होने के बावजूद भी हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण से बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से रेप जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं या फिर कम नहीं हो पा रही हैं। एक तो जैसा मैडम ने पहले बताया कि हमारे यहाँ एक मेल डोमिनेशन है, मतलब हम औरतों को सब्जेक्टिफाई करते हैं, वी लॉट ऑफ मेन सी वीमेन एज एन ऑब्जेक्ट, वो उनको एक पदार्थ की तरह देखते हैं और उनको लगता है जैसे उनका ये हक है। मतलब दुनिया चांद पे जा चुकी है, हम मंगल पे जा चुके हैं और आगे जाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान में बहस चलती है कि फलाने लड़की ने जीन्स पहना या छोटे कपड़े पहने, इस वजह से मतलब इस तरह की चीज़ें आकर्षित करती हैं रेपिस्ट को। तो ये बड़ा दुख है मुझे इस बात का। तो मुझे लगता है कि एक तो जैसे विदेशों में सेक्स एजुकेशन होता है, सेक्स एजुकेशन को हमारे एजुकेशनल सिस्टम में डालना चाहिए जिससे कि आदमी को मतलब सेक्स एजुकेट किया जा सके, कैसे बिहेव करना है, कैसे लड़कियों के साथ बातें करनी है। और ज़रूर हम लड़कियों को इतना बोलते हैं कि रात को बाहर मत निकलो या ऐसे कपड़े मत पहनो या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हम लगाते हैं। उसके अलावा मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए,
हमें अपने घर में अपने बेटों को ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए कि औरतों से किस तरह से बात करें। हिंदुस्तान फेमस है, या हिंदुस्तान की अगर इतिहास में आप देखें तो हिंदुस्तान में जितनी स्त्रियों को इज्जत दी जाती है शायद ही किसी और देशों में दी जाती थी। और बड़ी दुख की बात है कि अब हम आज इस चीज़ों पर डिबेट कर रहे हैं कि रेप क्यों बढ़ रहा है। तो अगर हम अपने लड़कों को हम अगर ये सिखाएं कि लड़कियों से किस तरह से बात करना है, अपने व्यवहार को किस तरह से रखना है, सामाजिक आचरण क्या है, आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। एक तो प्रिवेंटिव मेथड ये हो सकता है कि सेक्स एजुकेशन हो। दूसरा एक फियर फैक्टर भी होना चाहिए, जैसा कि रिस्ट्रिक्शन की बात है, जैसे हमने कानून की बात करी कि कुछ ऐसे सख्त कानून होने चाहिए जिसका कि समाज में एक डर हो। ठीक है, बहुत सारे 100 में से 90-95 लोग ईमानदारी से अपना सुबह जाते हैं शाम को, मतलब अपनी मेहनत करके अपनी रोजी में लगे हुए हैं। समाज के हर समाज में 1-8% ऐसे लोग होते हैं जिनको कि सही माहौल देने के बावजूद भी हो सकता है कि वो सही रास्ते पे ना चलें। ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसे कानून होने चाहिए और ऐसा डर होना चाहिए। जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, तो आप कभी दुबई एयरपोर्ट पे गए हो तो वहाँ पे देखेंगे सोने की दुकानें हैं और सोना ऐसे मतलब किलो के भाव में सामने पड़ा है, और एक दुकान पे एक आदमी होता है, कोई भी आदमी चाहे तो चुरा सकता है लेकिन नहीं चुरा पाता, क्योंकि इस बात का भय है कि अगर चोरी किया और पकड़ा गया तो तुरंत अगले दिन ही उसके हाथ काट दिए जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ, दीज आर लाइक एक्सट्रीम राइट स्टेप्स, बट भय कई बार ज़रूरी होता है कुछ लोगों को सही डायरेक्शन में लाने के लिए। तो कानून सख्त हो पर सख्ती के साथ सही टाइम पे भी मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसे स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए खास तौर से रेप जैसे सेंसिटिव इशू के लिए कि तुरंत टाइमली डिसीजन हो, और अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट होना है तो तुरंत मतलब हफ्ता 10 दिन महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कानून जो डिप्राइव्ड है जिसके साथ की रेप हुआ है वही बेचारी इधर उधर ढूंढते रहती है, उसके परिवार वाले सालों साल इधर उधर टहलते रहते हैं। हिंदुस्तान में जो निर्भया जैसा केस जिसके लिए कि इतना मतलब मीडिया में बात उछली 2012 से 2017, सोचिए इतना हाईलाइट होने के बाद भी 7 साल के बाद भी वो चारों जिंदा है, तो एक आम गरीब आदमी अगर उसकी बहू बेटी का बलात्कार होता है तो वो कहाँ जाए। बिल्कुल, पूरा देश उस मामले में सड़कों पर आ गया था, पूरा देश एकजुट हो गया था उस मामले में, लेकिन बावजूद इसके आज भी आरोपी सलाखों के पीछे हैं, फांसी की सजा भी मुकर्रर कर दी गई फिर भी फांसी नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, डॉक्टर पंकज सिंह, इस तरह के केस के पीछे हालांकि हम कहते हैं कड़ा कानून होना चाहिए इस तरह की वारदातों के लिए, सरकार ने कड़े कानून भी बनाए हैं, सरकार ने यौन शोषण करने वाले, बलात्कार करने वालों के खिलाफ या छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त से सख्त और कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे देश में कानून बन जाता है तो उसका दुरुपयोग करने वाले भी बहुत से लोग आ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों को फंसाते हैं जिनसे उनकी या तो पर्सनल खुन्नस होती है या कुछ ऐसा लाभ लेने की उनसे कोशिश करते हैं, जिसके पीछे वो उस कानून का भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, एक दबाव बनाते हैं, और उसके बाद इस तरह के कानून का भय डर दबाव दिखाने के बाद या ऐसे कानूनों में फंसाने के बाद एक इज्जतदार शख्स की इज्जत को उछाल देते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह इसका फैसला होगा कि मामला सच्चा है या झूठा है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भानु जी ये है कि आज की डेट में जैसा आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे रेप के केसेस एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं जो कि गलत होते हैं। जी जी, और जैसा मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था अभी तो मोर देन 95% केसेस ऐसे हैं जो कि फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड हैं इन सब चीज़ों में। ये कानून एक तरह से उसी तरह की से दुरुपयोग इसका स्टार्ट हो गया है, जैसे कि एक बार जो दहेज हत्या की का कानून था 498A, जी बिल्कुल, उसमें जो है पहले कुछ जेन्यून केसेस आए लेकिन फिर बाद में जो है बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड थे। इवेंचुअली अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक स्टेप लिया और उस कानून को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि उससे उसका दुरुपयोग थोड़ा कम होगा। यही आज की डेट में जो 376 है उसका भी यही एक रूप धीरे धीरे देखने को मिलता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी एक ऐसे जिम्मेदार नागरिक हमारी भी है कि हम उस कानून का दुरुपयोग ना करें और सही समय पर और सही जगह पे उसका उपयोग करें। तो पहली चीज़ तो ये है। सेकंड, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है कि कानून का दुरुपयोग जो लोग करते हैं उनके लिए भी प्रावधान है आईपीसी में, कानून में, कि किस तरह से उनको सख्त से सख्त सजा मिले। 195 आईपीसी एक सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का, जिसमें कि क्लियरली अगर आप किसी के खिलाफ कोई फॉल्स केस लगाते हैं और वो केस जो है प्रूव हो जाता है कि इट इज़ फॉल्स केस, तो वही धारा जो उन पर लगी थी वो आप पे बाउंस बैक हो जाएगी, और उसके साथ ही साथ आपको भी वही सज़ा मिलेगी जो कि उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो कि आपको मिल जाती है अगर आप दोषी साबित हो जाते हैं। जी
बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि हैदराबाद में जो महिला वेटनरी डॉक्टर थी उनके साथ जिन आरोपियों ने बलात्कार किया था वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। हालांकि पूरा देश इस पर सहमत है, खुशी है, लेकिन हर मामले में एनकाउंटर नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये जो पूरे देश की राय है उसको समझना होगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा कानून लाना होगा देश भर में जो 10 से 15 दिन के भीतर ही पीड़िता के साथ न्याय करे और ऐसी वारदात, ऐसे घिनौने अपराध करने वालों के दिन में एक भय बनाए, खौफ बनाए। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो वहीं डॉक्टर पंकज सिंह, इसमें एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के वारदातें हो जाती हैं, इसके बाद लोग न्याय की उम्मीद न्यायपालिकाओं से, सरकारों से लगाकर बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं उन्हें तुरंत न्याय मिलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी आदेश हो जाता है, कोर्ट भी लगते हैं, बावजूद इसके इतना डिले हो जाता है पूरा न्याय प्रक्रिया जो है, पूरा न्याय का जो पूरा मामला, इतनी देरी उसमें हो जाती है कि कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। तो कैसे इसको रोक सकते हैं, इसमें क्या इंप्लीमेंट और कर सकते हैं? भानु जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो डिले है, डिले मल्टीफैक्टोरियल होता है जी, तो अगर हम एनालाइज करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस तरह के जजमेंट में या जस्टिस दिलाने में डिले कॉज करते हैं, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो FIR जो लॉज होती है, FIR लॉज होते समय एक तो प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो सेक्शंस लगाए जाते हैं FIR में, वो सेक्शंस जो हैं क्राइम के अनुरूप होने चाहिए जी। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स IOs के द्वारा जी, उसमें कोई भी साक्ष्य छोड़ा ना जाए और उसमें प्रॉपर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टाइमली एक हेल्प ली जाए। तो और थर्ड चीज जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इस समय कोर्ट्स में एक लाखों केसेस ऐसे हैं जिनका बैकलॉग है, तो मैं समझता हूं कि लाखों केसेस का बैकलॉग होने की वजह से कोर्ट भी अपने आप में ओवरबर्डन है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो कॉन्सेप्ट है इन सब केसेस में, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेलकम आइडिया और कहीं जगह इन आइडिया को एग्जीक्यूट भी किया गया है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक सवाल यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, तेलंगाना केस के अंदर जी जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ उसके बाद उसकी बॉडी को बर्न कर दिया गया। बॉडी बर्न होती है जब रेप के बाद, तो उसमें कई टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं जी। रेप को आप प्रूव नहीं कर सकते अगर बॉडी बर्न हो गई, तो इसमें जो दो IPC लगे थे, 302 विच इज मर्डर एंड 376 विच इज रेप, इन दोनों IPC में अगर 376 प्रूव नहीं हो पाता है तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी बिग कॉज फॉर द डिलेड जस्टिस इन दीज केसेस। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रूव, लेकिन अगर टाइमली फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एडवाइस ली जाए और उनका साथ लिया जाए, तो मैं समझता हूँ केसेस जल्दी सॉल्व होंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स विच इज द सेकेंड सॉल्यूशन। सेकेंड, एक आपने जैसे एक सवाल मुझसे पहले पूछा था कि किस तरह से प्रिवेंशन किया जाए सोसाइटी में जी। तो मैंने उसका जवाब दिया भी था कि इसका किसी भी चीज़ को आपको प्रिवेंट या खत्म करने के लिए ये देखना होगा कि वो बनी क्यों है जी। तो जो बच्चे की अपब्रिंगिंग है, जो परवरिश है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इसके अंदर होता है और वो जिम्मेदारी आती है उसके परिवार की, उसके माता पिता की। तो मैं समझता हूँ कि मेरी एक सलाह है, ये दिस इज माई एडवाइस,
कि कुछ कानून ऐसे बनाए जाएं कि जिसमें अगर कुछ इस तरह के हीनियस क्राइम्स जहां पे कमिट हो रहे हैं, उन क्राइम्स को कमिट करने वालों के साथ साथ उनके परिवार वालों को, उनके माता पिता को भी इसमें दोषी माना जाए। 120B एक ऐसा प्रावधान है IPC का, जिसमें अगर जो मेन अभियुक्त है उसके साथ जो मिलकर उस काम करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उनको भी दोषी माना जाता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के क्राइम्स जो कमिट होते हैं, जहाँ तक उसमें माता पिता हैं, उनका रोल बहुत रहा है उस बच्चे की अपब्रिंगिंग में, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि माता पिता को, उसके पेरेंट्स को, उसके परिवार को इसकी जद में लाना चाहिए, ताकि एक भय उनके दिमाग में भी आए कि वो जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, जो उनका पालन पोषण हो रहा है, जो अपब्रिंगिंग है, उसको वो सही तरीके से सही टाइम पर इंस्टीट्यूट करें। तो मैं समझता हूँ जब ये भय व्याप्त होगा परिवार में, तो आगे आने वाली जनरेशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल ही सही कहा सर आपने, बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं। बस